सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 मई से हो जाएगी इंग्लैंड में। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही हर एक टीम को खेलने हैं सबसे पहले प्रैक्टिस मैच, तो वहीं भारतीय टीम को भी खेलना है दो प्रैक्टिस मैच यानी कि वार्म अप मैच, जो कि पहला प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा भारतीय टीम का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 25 मई को। तो इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा भारतीय टीम का वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश के खिलाफ यानी कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रैक्टिस मैच वार्म अप मैच, जो कि 28 मई को खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले वार्म अप यानी कि पहले प्रैक्टिस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आपको बताएंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से इस मैच में। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। वहीं वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं दोनों ही टीमों के कंपेयर के बारे में कि कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के एक तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। वहीं इस ऐप की खास बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2-3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, तो वर्ल्ड कप 2019 से जस्ट पहले ही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला प्रैक्टिस मैच, जो कि यह वर्ल्ड कप का चौथा वार्म अप मैच होगा, जो कि यह मैच 25 मई 2019 को खेला जाएगा लंदन के कैनिंगटन ओवल के स्टेडियम में और यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 3 PM से। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले प्रैक्टिस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में, अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की, तो एज ए ओपनर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे मार्टिन गप्टिल, जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर होंगे कोलिन मुनरो, जो कि ये भी काफी विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे। अगर बात की जाए नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे एक्सपीरियंस बल्लेबाज रॉस टेलर, जो कि ये नंबर 4 की बैटिंग करेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे टॉम लेथम, जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज। वहीं अगर हम बात की नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे कॉलिन डी ग्रेडहोम, बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि तेज गेंदबाजी के साथ साथ हिटिंग बल्लेबाजी भी करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। जबकि नंबर 7 पर होंगे मिचेल सेटनर, बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगर बात की जाए नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे ईश्वरी, बेहतरीन स्पिनर। तो इसके बाद नंबर 9 पर होंगे टीम साउथ, जबरदस्त फास्ट बॉलर। तो इसके बाद नंबर 10 पर होंगे ट्रेंट बोल्ट, जबरदस्त फास्ट बॉलर। अगर बात की जाए नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे लुकी फर्ग्यूसन, तेज गेंदबाज। दोस्तों ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो भारतीय टीम की तरफ से एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा। तो इसके बाद नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि दोनों ही बल्लेबाज इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज यानी कि दारन मशीन विराट कोहली, भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन जो कि वन डाउन की बैटिंग करेंगे। अगर बात की जाए नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे विजय शंकर, टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर। तो इसके बाद नंबर 5 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज। अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक। तो इसके बाद नंबर 7 पर होंगे हार्दिक पांड्या, टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर जो कि इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अपने बल्ले और गेंद से काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर बात की नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर। जबकि नंबर 9 पर होंगे युजवेंद्र चहल, टीम इंडिया के बेहतरीन लेग स्पिनर। अगर बात की नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद शमी, जबरदस्त फास्ट बॉलर। तो इसके बाद नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग। दोस्तों ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जो कि दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम में विजय शंकर की जगह पर केएल राहुल को भी आजमाया जा सकता है, हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं केदार जाधव जो कि वर्ल्ड कप से पहले अनफिट थे, इंजर्ड थे, जिसके चलते वो फिट तो हो गए हैं अब वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलेंगे और डायरेक्ट खेलेंगे वर्ल्ड कप 2019 के ग्रुप स्टेज यानी कि मेन मैचों से। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की टीम में जो कि ईश्वरी की जगह पर जो कि जेम्स निशाम या फिर ईश्वरी जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा इस मैच में। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।